आज की वीडियो समर्स की मोस्ट वांटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है परफ्यूम्स से रिलेटेड। आज ना सिर्फ हम परफ्यूम्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको आपकी फेवरेट फ्रेग्रेंस को रिकग्नाइज़ भी कराऊंगी, और ऑनलाइन आप अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस को किस तरीके से रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और उसको परचेज़ कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आप आज की वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्लू लेडी परफ्यूम की। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लड़कियों ने कभी ना कभी ये परफ्यूम ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, और इसकी खुशबू से भी वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगी। लेकिन इसके प्रोमिनेंट नोट्स क्या हैं वो पता है आपको? इसके जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं उनमें आता है स्वीट, फ्रूटी और इसके साथ साथ वुडी। ये थ्री प्रोमिनेंट नोट्स हैं इस परफ्यूम के। तो जिस भी परफ्यूम में आपको ये थ्री नोट्स मिलते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस किस किस्म की होने वाली है। दूसरे नंबर पे आता है विक्टोरिया सीक्रेट का ये बॉम्ब शेल परफ्यूम। इस परफ्यूम के जो टॉप नोट्स हैं उनमें आता है सिट्रस फ्रूट लाइक पाइन एप्पल, ग्रेप फ्रूट और इसके साथ साथ बिग स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि विक्टोरिया सीक्रेट से इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाकर सेल कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड मेरे जहन में आ रहा है, सेंट एंड स्टोरीज। उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर लिख कर बताते हैं कि ये जो परफ्यूम है वो विक्टोरिया सीक्रेट का इम्प्रेशन है, विक्टोरिया सीक्रेट के कौन से वाले परफ्यूम का इम्प्रेशन है। तो अगर आपने विक्टोरिया सीक्रेट्स की परफ्यूम्स कभी यूज़ किए हैं, उसके अलावा आप उसका कोई अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप जो हैं वो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, या फिर उनके टॉप नोट्स देख के, या उसके अलावा आप जो हैं उनके उनसे पूछ सकते हैं कि ये वाला जो परफ्यूम है वो कौन से परफ्यूम का इम्प्रेशन है। तो इस तरीके से वो आपको गाइड भी कर देंगे और आपके लिए जो है वो ईजी भी हो चुका ऑनलाइन परफ्यूम्स को बाय करना। इसके बाद बारी आती है खाडी के इस ऑटोमन सनसेट परफ्यूम की। ये वाला जो परफ्यूम है खाडी का, वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ था और मैंने ये ख़रीदा था और इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ही की थी मैंने अपने किसी विंटर्स शॉपिंग हॉल में। तो इस परफ्यूम की पैकेजिंग से लेके इस परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी और इसके साथ साथ इस परफ्यूम की जो एक ऑटोमन जैसी एक इसकी पैकेजिंग है, हर चीज़ बाकमाल है। और इसके साथ साथ ये जो परफ्यूम है, अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस का आपको बताऊं तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छी, बहुत रिफ़्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद ये परफ्यूम हट का सागा पिंक परफ्यूम है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी स्वीट है। इसके अगर हम टॉप नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट्स में जो है वो पाउडरी नोट्स आते हैं, रोज़, लीली, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जो है वो इसकी टॉप नोट्स में है। और उसके अलावा मिडल नोट्स में वनीला, सैंडलवुड, ये चीज़ें जो हैं वो इसकी सेकेंड जो नोट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी परफ्यूम की मज़े की बात मुझे लगी वो ये कि अगर आप इसको ओपन करके लगाएं और उसके बाद इसके छोड़ दें तो वो खुद ब खुद वापस इसकी कैप बंद हो जाती है। और अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बताना चाहूँ तो ये उन लोगों के लिए जिनको स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है, मीठी खुशबुएँ पसंद होती हैं, कैंडी जैसी। सागा का नाम सुनकर ही आपके माइंड में कैंडी का रश आ गया होगा यकीनन। तो ये बिल्कुल उस तरह की फ्रूट्स लाइक स्मेल है, स्वीट कैंडी जैसी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको इस तरह की स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो यू कैन चेक इट आउट। इसके अलावा एंड पे मैं आप लोगों को ये निविया का ब्लैक एंड वाइट जो है वो इनविजिबल डिओड्रेंट दिखाना चाह रही थी। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। अगर आपको रिफ़्रेशिंग सी इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो ये निविया का ब्लैक एंड वाइट इनविजिबल जो डिओड्रेंट है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। गर्मियों के लिए डिओड्रेंट जो हैं वो एक कंपलसरी चीज़ है। तो अगर आप अच्छे से डिओड्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस डिओड्रेंट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने इसको 800 का लिया था कुछ महीनों पहले, आई थिंक अब तो ये 1000 तक का हो गया होगा। तो अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सा एक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, ये थे मेरे आज के परफ्यूम्स हॉल। और ये मेरी बहन का बेटा है जिसको लग रहा था कि शायद मुझे भी अपनी ग्लासेस दिखानी चाहिए खाला की वीडियो में,
तो दैट्स ऑल, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आप लोगों को इन परफ्यूम्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोगों को वहाँ से ख़रीदने हुए तो आप लोग ख़रीद लें। आई होप कि अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन परफ्यूम्स ख़रीदना कुछ हद तक आसान हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने परफ्यूम्स पर वीडियो बनाई तो ये काम आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान कर दूँगी, एक अफोर्डेबल से परफ्यूम्स का हॉल मैं बनाऊँगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।